नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है मेल फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, साथ ही इसमें विडोज के लिए वैकेंसी है और स्पोर्ट्समैन के लिए भी वैकेंसी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वैकेंसी की समस्त जानकारी प्रदान करूँगा, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरने हैं, कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या योग्यता है, साथ ही इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी और क्या इसका वेतनमान रहेगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी है जिला न्यायालय में क्लर्क के पदों की भर्ती है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतों के लिए जो क्लर्क ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों, इसके अंतर्गत यहाँ पर आपके जो वेतन रहेगा वो 23,700 रुपये प्रति माह रहेगा। साथ ही मैट्रिक्स पे लेवल 10 के अनुसार जो कुछ दिन आपका वो होता है, जो प्रोविजनल ट्रेनी है उनके लिए 23,700 रुपये रहेगा, और जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको पे लेवल 10 के अनुसार 33,800 से 106,700 रुपये तक मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो परीक्षा होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश, यानी जो इसके अंतर्गत राजस्थान के जिला न्यायालय के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा। आपको हिंदी और इंग्लिश की दोनों की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे जो कि ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल में होंगे। दोस्तों, जो यहाँ की जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से दी गई है, ये आप देख सकते हैं www.scraj.nic.in पर उपलब्ध है। ये उच्च न्यायालय की वेबसाइट यानी highcourtrajasthan.nic.in, यहाँ पर आप जाकर के इसमें पूरी जानकारी दे सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और उसमें सही सही आवेदन करना होगा। दोस्तों, ग्रेड टू हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए जो क्लर्क की जो वैकेंसी है उसका डिटेल नीचे है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। साथ ही इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हो 28 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है। इसके अंतर्गत जो आरक्षण रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि महिलाओं में विधवा विच्छिन्न विवाह महिला सहित आरक्षण पदों पर सबको 36 आरक्षण दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। दिव्यांगजन के लिए भी आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण है कैटेगरी हिसाब से। इसके अलावा जो राजस्थान के राज्य के बाहर अन्य राज्य की जो विवाह पर तो राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती हैं उन्हें सामान्य वर्ग के अंदर आवेदन करना होगा, जैसे कि यूपी हरियाणा मध्य प्रदेश से शादी होने के बाद वो राजस्थान में आती हैं तो उन्हें जनरल में रखा गया है। साथ ही विभिन्न वर्ग के प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। इसके अंतर्गत आपको अन्य पिछड़ा वर्ग का अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है जो कि एक वर्ष के लिए मान्य होता है वो आपको दिखाना होगा, लेकिन अगर एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी आगामी वर्ष के लिए भी क्रीमी लेयर में नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अगर डिवोर्स वुमन है तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अपने पति से विवाह विच्छेद हो जाने तक का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही इम्पोर्टेंट नोट इस प्रकार से है, जिला न्यायालय एवं जिला बेसिक शिक्षा प्राधिकरण के अंतर्गत प्रथम वरीयता जो रहेगी वो जिला न्यायालय के लिए रहेगी और द्वितीय वरीयता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए रहेगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी पद हैं और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th पास सीनियर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है। साथ ही आपको काम करने की अच्छी नॉलेज चाहिए, हैंड राइटिंग के अंदर हिंदी में अच्छा लिखना चाहिए,
साथ ही राजस्थानी के अंदर भी आपको आनी चाहिए और आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो डॉइक के से मिलता है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम यानी COPA हो, या डाटा प्रिपरेशन हो, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS हो, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में हो, या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, बीटेक कर रखी हो, इस प्रकार से आपने जो कर रखी है ये आप इनमें ये कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना मैंडेटरी है। साथ ही आवेदक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे संबंधित कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो, इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, या भूटान का नागरिक हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, 18 साल से 40 वर्ष रखी गई है, जो कि 1/1/2024 से काउंट की जाएगी। अपर एज लिमिट रहेगी एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 5 साल छूट रहती है SC ST के लिए, और 5 साल छूट रहेगी वुमेन कैंडिडेट के लिए। साथ ही इसके अलावा अपर एज लिमिट जो छूट रहती है वो डिफेंस सर्विस पर्सनल की रहेगी जो ट्रांसफर रिजर्व सेल 50 तक रहेगी। साथ ही अपर एज लिमिट मेंटेन्ड अबव सेल जो उन्होंने NCC वगैरह कर रखी है उन्हें छूट रहती है। तो इस प्रकार से आप अपनी एज लिमिट में छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों चरित्र की बात करते हैं तो एक सच्चरित्र यानी अच्छा करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो उस विश्वविद्यालय महाविद्यालय जिससे उसने अंतिम बार अध्ययन किया है वहाँ के प्रधानाचार्य या अकादमी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 2 सच्चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो से संबंधी ना हों। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क इसके अंतर्गत जनरल OBC सभी के लिए और अंडर के लिए 700 रुपये रहेगा, राजस्थान वर्ग के पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप कमजोर के लिए 550 रुपये रहेगा, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगजन के लिए 450 रुपये रहेगा। दोस्तों परीक्षा शुल्क की वापसी बिल्कुल नहीं की जाएगी, इसके लिए आपको नो मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ लिविंग सेल टू बी एलिजिबल, यानी जिसके पास 2 पत्नियां हैं उन्हें भी इसके लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कोई फीमेल कैंडिडेट हु मैरिड टू A1 पर्सन हैविंग ऑलरेडी वाइफ लिविंग सेल एलिजिबल अपॉइंटमेंट तो उनके लिए भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और मैरिड कैंडिडेट जो कि किसी सर्विस में हैं किसी हैड टू टाइम हिज मैरिज एक्सेप्ट दौरे एक्ट के अंदर फंसा हुआ है उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों जो एक सिलेबस है वो इस प्रकार से रहेगा, डिक्टेशन पैसेज होगा 6 मिनट का, 80 वर्ड होंगे, 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होगा 6 मिनट के अंदर। साथ ही ट्रांसलेशन ऑफ टाइपिंग जो 50 मिनट का ही होगा, 100 उसके 100 मार्क होंगे, हिंदी शॉर्ट एंड टेस्ट होगा जिसमें 6 मिनट के अंदर 70 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे, और ट्रांसलेशन करने वाले 50 मिनट होंगे उसका भी 100 नंबर का होगा, और ग्रुप सी टेस्ट होगा जो आपकी स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट के अंदर 50 मार्क होंगे, SC ST के लिए 20 और मिनिमम मार्क जो दिया गया है 22.5 रहेंगे। साथ में आपका एफिशिएंसी टेस्ट भी देखा जाएगा। इंटरव्यू के अंतर्गत इसके अंतर्गत अपनी जितनी पोस्टें हैं उन पोस्टों के ऊपर सभी को बुलाया जाएगा जो साथी साक्षात्कार को अंक नहीं देंगे। साक्षात्कार का उद्देश्य केवल एक यह रहेगा कि इस सीमा तक न हकाता हो कि जिससे वह स्वयं या अन्य चीज़ों को पढ़ने में असमर्थ हो, इसलिए आपको बुला के चेक कराया जाएगा। दोस्तों जो परीक्षा होगी उसमें शॉर्ट एंड टेस्ट होगा, इसमें 200 से 250 वर्ड दिए जाएंगे जो आपको लिखने होंगे, आपकी स्पीड देखी जाएगी, दस्ता परीक्षा की आयोजित होगी तो जो उसमें देखा जाएगा कि आप किस स्पीड से काम कर सकते हैं। मूल्यांकन जो विधि रहेगी उसमें
आपका जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं उसके हिसाब से उसका निकाला जाएगा। रैंड निकालने के बाद जो भी रहेगा उसमें 5% मिस्टेक जो रहेंगी वो अलाउड हैं, और इससे ऊपर हैं तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। ये टाइपिंग की बात हो रही है जिसमें एक्चुअल करेक्ट वर्ड और स्पीड कितनी है वो दिख जाएगी। 5% मिस्टेक हटाने के बाद जो बचेगा और 6 मिनट का टाइम तब उसका स्पीड निकाल जाएगा। सेम ऐसे ही मार्क के लिए रहेगा, एक्चुअल करेक्ट वर्ड कितने हैं और 100 मार्क इसमें से टोटल डिटेक्टेड वर्ड कितने हैं वो घटाने के बाद निकाला जाएगा। इस प्रकार से इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय है वो 1 अगस्त 2023 से यानी मंगलवार यानी कल से दोपहर 1 बजे से लेकर के और 30 अगस्त 2023 तक रहेगा। और फीस भी आप 1 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक ही जमा कर सकते हैं। दोस्तों अब ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए परीक्षा स्थान जो रहेगा वो जयपुर में आयोजित होगी और वहाँ पर आपको परीक्षा देने के लिए जाना होगा। प्रवेश पत्र आपको अपलोड किए जाएंगे और आपको डाक से कोई प्रवेश नहीं भेजा जाएगा, ये आपकी मेल आईडी पर मिलेगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। जो आपकी वेबसाइट है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी सेवारत हैं, राजस्थान राज्य पंचायत समितियों जिला परिषदों के सार्वजनिक क्षेत्रों में या कहीं पर भी आप सेवारत हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं इस प्रकार से हैं, अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा क्लेम करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। दोस्तों इसके अंतर्गत ये जो दिया गया है इसमें क्लियर दिया गया है कि हेल्पलाइन नंबर जो दे रखी है इसकी 2 नंबर दे रखे हैं 02912888100। दूसरा नंबर है 02912888101। यहाँ पर जाकर के आप इससे संबंधित और भी जानकारी ले सकते हैं। ये यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर आप पुनः नोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ की सरकारी जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से है www.scraj.nic.in यानी www.highcourtraj.nic.in पर आप सब कुछ जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वैकेंसियों की कि टोटल वैकेंसी कितनी है, किस जगह पर है। ये काफ़ी बड़ी टेबल हो रही है फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये अजमेर, अलवर, बालोतरा, बारन, भरतपुर, हर जगह। अब बात करते हैं टोटल जो वैकेंसियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं 11, 32, 17, 2, 8 आप इसमें से देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हो सकता है आपको देखने में कठिनाई हो रही होगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो, छोटा जूम करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। टोटल अजमेर में 11 वैकेंसी, ये जनरल कोटा है जिसमें टोटल 5 वैकेंसी हैं। अलवर में 31 हैं जिसमें 1 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। ऐसे ही भरतपुर में 17 वैकेंसी हैं जिसमें 4 जनरल के लिए, ये फीमेल के लिए हैं, ये विडोज के लिए हैं, ये डिबोस के लिए हैं और ये हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। सेम ऐसे ही भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ इस प्रकार से सब में दी गई हैं, ये जनरल के लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और फिर ये कैटेगरी एससी की है और ये एसटी की है, उसके बाद ओबीसी की है। और उसके बाद जो कैटेगरी बचती है वो एमबीसी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, टोटल इस प्रकार से हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा टोटल देता रहता हूँ। टोटल जो वैकेंसी हैं वो इस प्रकार से हैं 11, 31, 17, 8, 6, 5, 4, 4, 6, 10। तो ये अपने अपने
आप डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी हैं 237, जिसमें से 102 जनरल के लिए हैं और 5 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, 22 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। ये हॉरिजॉन्टल है। अब बात करते हैं इसके अलावा जिला न्यायालयों में क्लर्कों की वैकेंसी जो इस प्रकार से है, जिसमें टोटल 10 वैकेंसी हैं और 10 में ये आप देख सकते हो टोटल 10 वैकेंसी हैं और इन 10 में से टोटल 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए हैं। उसके बाद जो थर्ड है, इसके अंदर वैकेंसी दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं, टोटल 16 वैकेंसी हैं और अनुसूचित जो क्षेत्र हैं इनका अलग अलग एरिया है। अब अलग अलग एरिया के हिसाब से वैकेंसी हैं, ये आप देख सकते हो। ग्रेड टू के लिए यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसी हैं। उसके बाद यहाँ हिंदी के लिए भी यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। अब पहचानना कैसे है आपको, एफ जहाँ लिखा है वो फीमेल के लिए है, डी के लिए डिवोर्स वुमन लिखा हुआ है, बी के लिए विडो लिखा है, पी डी के लिए यानी पर्सन जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, बी एल एफ माने ब्लाइंड लोड विजन है, डी एच एच यानी डीप हार्ड हियरिंग है जो सुनने में कठिनाई होती है, एल डी यानी वो चलन दिव्यांगता है, चल नहीं सकती, मस्तिष्क घात है, भौनापन है, जो भी है ये इनके एब्रिविएशन दे रखी हैं, और ई एक्स एस ई आर यानी एक्स एक्समैन भूतपूर्व सैनिक हैं, ओ बी सी अदर बैकवर्ड क्लास, ये इनका एब्रिविएशन दे रखा है। तो दोस्तों आप अपनी अपनी एब्रिविएशन देख करके पहचान सकते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरी जगह पर कितनी वैकेंसी हैं और आप अपनी योग्यता अनुसार इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन वैकेंसियों में जानकारी, ऐसी ही वैकेंसियाँ आती रहती हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।